सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रॉकस्टार एडिटिंग चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ इस टाइप का ब्लैक एंड ब्लू टोन फोटो एडिटिंग करके दिखाने वाले हैं, जो दिखने में काफ़ी मस्त लग रहा है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो आप भी ऐसा फोटो एडिटिंग करना सीख जाओगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है, एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले का ये फोटो को हम लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन कर लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके कलर को हमको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो आपको आ जाना है कलर वाला ऑप्शन पे सिंपल, ठीक है। और सबसे ऊपर की तरफ एक छोटा सा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फिर इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको येलो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके सैचुरेशन को पूरा फुल माइनस कर लेना है, ठीक है। फिर ग्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसके भी सैचुरेशन को पूरा फुल माइनस कर लेना है, ओके। एंड फिर इतना कर लेने के बाद आपको ब्लू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसके सैचुरेशन को प्लस कर लेना है 58 के अराउंड। फिर आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसके भी सैचुरेशन को आपको प्लस कर लेना है करीब 19 के अराउंड, और ह्यू को माइनस कर लेना है, ठीक है, -7 के अराउंड। तो फ्रेंड, इतना ऑप्शन करने के बाद ये सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये जो है हमारा फेस का कलर है, ठीक है। तो फेस गोरा करने के लिए लेमनेस को हम प्लस कर लेंगे, ओके। लेमनेस को 46 के अराउंड कर लेंगे और सैचुरेशन को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो और सैचुरेशन को -21 कर लेते हैं। फिर रेड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इसके भी लेमनेस को 21 के अराउंड कर लेंगे और सैचुरेशन को माइनस कर लेंगे, ठीक है, -27 करें। तो फ्रेंड, इतना ऑप्शन कर लेने के बाद फिर डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अभी आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, अभी हमारा जो फोटो है ब्लैक टोन हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके टिंट को वैल्यू को आपको बढ़ा लेनी है। तो टिंट के वैल्यू को आपको 14 के अराउंड बढ़ा लेना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद फिर लाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको एंड सबसे ऊपर की तरफ एक कर्व वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको। तो कर्व वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड कर्व वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर डॉट डॉट सा बना हुआ चार कलर दिख रहा होगा, तो आपको ब्लू वाला कलर पर क्लिक करना है और बीच वाला लाइन पकड़ के इसको ऊपर कर लेना है, ठीक है। कुछ इस टाइप से इतना ऊपर कर लेना है। जैसे ही ऊपर करोगे तो आपका जो फोटो है ब्लू टोन में हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद फिर डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लेंगे फोटो में, +11 करीब कर लेते हैं और शेडो को माइनस कर लेंगे। तो शेडो को -63 करीब कर लेते हैं, ठीक है, और ब्लैक्स को थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं 11 करीब। तो फ्रेंड, इतना ऑप्शन कर लेने के बाद थोड़ी सी हाईलाइट को हम कम कर लेंगे 11 करीब। अब क्या करेंगे, अब इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद सबसे पहले हम फोटो में क्लियरिटी बढ़ाएंगे ताकि फोटो दिखने में अच्छा लगे। तो क्लियरिटी को हम बढ़ा लेते हैं करीब 18 के अराउंड, ठीक है, और विंगनेट को माइनस कर लेंगे। तो विंगनेट को -26 के अराउंड कर लेंगे, ठीक है। एंड फिर आपको ट्रेंगल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ट्रेंगल वाला ऑप्शन पर क्लिक करके नॉइज़ रेडिएशन को थोड़ी सी बढ़ा लेंगे 9 के अराउंड और शार्पिंग को बढ़ा लेंगे 4 के अराउंड। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा जो फोटो है पूरा अच्छी तरह से एडिट हो चुका है। आप लोग को बिफोर एंड आफ्टर हम दिखा रहे हैं, ये देखिए बिफोर कैसा है फोटो हमारा एंड आफ्टर। फोटो पूरा अच्छी तरह से ब्लैक एंड ब्लू टोन में हो चुकी है एंड फेस भी गोरा हो चुका है पहले से और काफ़ी मस्त भी लग रहा है। तो फोटो को गैलरी में सेव करने के लिए शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके एंड सेव टू डिवाइस के क्लिक करेंगे तो हमारा जो फोटो है गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लेना। और आप भी ऐसा फोटो एडिटिंग करवाना चाहते हो तो हमको इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।